बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बेस्ट फॉर यू पे। तो आज हम सीखेंगे कि साइबर लिंक में हम एडिटिंग किस तरह करते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें एंड इससे आपको पूरी तरह से हर एक स्टेप बाय स्टेप पता लग जाएगा कि हम उसमें एडिटिंग किस किस तरह कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है एक नॉर्मल एडिटिंग के लिए। तो मैं आपको इसमें हर एक फंक्शन बताऊँगी जो बेसिकली हमें यूज़ आता है जब भी हम किसी अपने वीडियो को एडिट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। तो जब पहले आप ये अपना पावर डायरेक्टर ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ आपको इस तरह का दिखाई देगा। तो पहले आपको क्या करना है, ये जो चीज़ होती है ना हमारी, ये फालतू की चीज़ें हैं, इसको यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे एंड यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे बिकॉज हमें ये नहीं चाहिए। हम यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें लेंगे जिनका हमें यूज़ करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो एडिट करके दिखाती हूँ इसमें। तो आपको पहले उस फोल्डर में जाना है, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, चाहे तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करके, ठीक है। एंड चाहे तो आप पहले आपको उस फोल्डर में जाना है जहाँ पर आपकी जो वीडियोज़ वगैरह हैं वो सेव हैं। जैसे मैं यहाँ चली गई, जैसे मैं चाहती हूँ कि ये वाली वीडियो मुझे एडिट करनी है, ये मैंने पहले वीडियो बना रखी थी, जस्ट बिकॉज कि एडिट करना मैं सिखा रही हूँ इसलिए मैं इसी वीडियो को पिक कर रही हूँ। तो इस वीडियो को आपको अपने माउस से होल्ड करना है एंड ड्रैग करते हुए आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर इसको छोड़ देना है। ये देखिए ये वीडियो इधर आ चुकी है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि वैसे तो मैंने इसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा रखा है बट फिर भी आपको सिखाने के लिए मैं बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाना भी सिखाऊंगी। तो आपको फिर से उसी फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपका बैकग्राउंड वाला म्यूज़िक है। जैसे ये वाला म्यूज़िक मैं लगाना चाहती हूँ तो इसको भी आपको ड्रैग करना है एंड यहाँ पर ड्रॉप कर देना है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये दो चीज़ें हमारे अब इन दो चीज़ों को हम यूज़ करके वीडियो एडिट करेंगे। तो ये जो चीज़ होती है ना हमारी, ये फ्रेंड्स ये होती है हमारी पूरी टाइमलाइन या ट्रैक बोल सकते हैं इसको। तो आपको क्या करना होता है, पहले आप अपनी वीडियो लेंगे जिसको आपको एडिट करना है, इसको ड्रैग करेंगे एंड ड्रैग करके आप अपनी इस टाइमलाइन में लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसे लेकर आ जाएंगे एंड यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, ठीक। अब मैं यहाँ पे आपको इसको क्लिक करके दिखाती हूँ कि ये वीडियो किस तरह की दिखती है, ठीक है। ऑन करते हैं इसे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप दो से ज़्यादा ऑडियो को एक साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली अपने फ़ोन पे प्ले स्टोर पे जाना है, का एक टिक का टिक एक एक करके ये सॉन्ग मेरे पास आ गया। पहले से ही एडिट कर रखी थी बट मैं आपको इसमें सारे फंक्शन ज़रूर बता दूंगी ताकि आपको अपनी वीडियो एडिट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब इसमें सबसे अच्छा फंक्शन जो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए ये जो चीज़ यहाँ पर मैंने इसको ऑन किया, ये इसका चल रहा है इसका वेलकम टू आवर चैनल। तो ये जो चीज़ है ना, मुझे इसको काटना है और कुछ नया अच्छे से जो लिखा है ना मुझे उस तरह का लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे हम थोड़ा सा चला के स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे एक स्प्लिट का ऑप्शन दिख रहा है, स्प्लिट टाइमलाइन, इसको आपको क्लिक करना है। देन आपको आगे जाना है एंड जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है ना वहाँ पर इसको स्टॉप कर देना है, बस, ठीक है। थोड़ा सा आपको पीछे जाना है, यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको स्प्लिट कर देना है फिर से। अब ये जो हिस्सा है आपका स्प्लिट हो चुका है, टूट चुका है। अब आपको अपने माउस से यहाँ पे क्लिक करना है, डिलीट के ऑप्शन पे जाना है, आपको जाना है रिमूव एंड फिल गैप। बट अगर आप ये वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं ना तो ये गैपिंग आपकी हट जाएगी, लेकिन हमें ये हटानी नहीं है, ठीक है। हमें इसकी प्लेस पे कुछ और लेकर आना है। तो यहाँ पे मैं करूँगी रिमूव एंड लीव गैप, ठीक है। इस तरह से ये आ गया। अब अगर मैं वीडियो को ऑन करती हूँ तो ये वीडियो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, सीधा हेलो फ्रेंड से स्टार्ट होगी। देखिए हेलो फ्रेंड,
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप दो से ज़्यादा ऑडियो को एक साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं। तो हो गई ये चीज़। अब अगर इसकी जगह पे मुझे कुछ और लेकर आना है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स मिल रहे हैं। ये होता है एफएक्स का, बेसिकली ये इफ़ेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखा देती हूँ आपको, ये बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं। अगर इसमें से आपको कोई सा भी इफ़ेक्ट चूज़ करना है तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये जीपीयू स्टार, मेरे को ये वाला चूज़ करना है तो इसको ड्रैग किया एंड जहाँ पे लगाना है ना आपको, वहाँ पर आप लगा सकते हैं। यहाँ पे छोड़ दिया इसको। अब वीडियो ऑन करके देखते हैं किस तरह दिख रहा है। देखिए, इसके लिए आपको सिंपली अपने फ़ोन पे प्ले स्टोर पे जाना है, फिर यहाँ पे आपको ऑडियो ड्रायर टाइप करना है। कर सकते हैं यहाँ से एंड चाहे तो आप डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर आप चाहे तो कहीं और उठा के भी ला सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे लाना है तो यहाँ पर भी आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ से पूरे अपने जो भी आपको इफ़ेक्ट चूज़ करने हैं ना, यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका ये नेक्स्ट आता है जिसमें आपको ये जो कुछ भी, अगर आपको ऐसे दिखाना है एनिमेशन टाइप या फिर ये दिखाना है, यहाँ पे आप अपना कर्सर रखेंगे तो अपने आप ही फिगर्स अपने आप शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर आपको ये दिखाना है। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। जैसे तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं यूज़। नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट का। टेक्स्ट में आपको क्या करना होता है कि कोई भी अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं जो कि अच्छे से एनिमेशन में लिखा है तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसमें से पहले आपको कोई ना कोई टेम्पलेट चूज़ करना पड़ेगा जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं ये लेती हूँ, मैंने पहले ये बना रखा था, मेरे को अच्छा लगा था, तो इस पर डबल क्लिक करना है आपको। डबल क्लिक करने के बाद ये इस तरह खुल जाएगा। आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ वेलकम टू आवर चैनल, यहाँ पे लिखा एंड यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसकी फ़ॉन्टिंग भी चेंज कर सकते हैं, चाहे तो कुछ और फ़ॉन्ट ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ से इसको सिलेक्शन देना पड़ेगा इसका। यहाँ से सिलेक्शन दिया, फिर आप कोई सा भी फ़ॉन्ट यहाँ पे ले सकते हैं, जो सभी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग, आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मैंने ये लेके छोड़ दिया। यहाँ पे आप अपनी साइज़ देख सकते हैं फ़ॉन्ट की कितनी रखनी है आपको, ठीक है। और भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ओके करना है, ठीक है। एंड ये आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देगा कि इस तरह से आपका लिख कर आएगा। अब आपको इस, तो आपको अब ये आपका बन चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस चीज़ को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे इस चीज़ को छोड़ देना है, ठीक है। बस इतना करने के बाद ये आपका ऐड हो चुका है इसमें। आप इसको ऑन करके देख सकते हैं कि किस तरह का दिखता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल। ये हो गई आपकी इंट्रो, जो आपने यहाँ पे लिखा था, ये हो गई आपकी इंट्रो। यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट के इफेक्ट मिले हुए हैं, इसकी मदद से आप ये भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक एंड का होता है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जो आता है, या कुछ और आप शो करना चाहते हैं टेक्स्ट के ज़रिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। जैसे मैं दिखा देती हूँ, मैं अपनी हर वीडियो के एंड में क्या लगाती हूँ, ये अगर इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ से इसको हम कर देंगे एंड इसको ऑन करके देखते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से आता है एंड ये काफ़ी ब्यूटीफुल भी लगता है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको स्प्लिट का बता दिया, इंट्रो का बता दिया, एंडिंग का बता दिया, ठीक है। एंड ये काफ़ी सारे जो छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा, अगर यहाँ पे मेरी वीडियो में तो आवाज़ आ रही है, वॉइस शो हो रही है, बट ना तो इंट्रो में कोई साउंड है ना तो ये एंडिंग में कोई साउंड है, तो अगर मुझे यहाँ पे साउंड ऐड करने हैं तो यहाँ पे क्या करना है, ये आपको ये मीडिया रूम है ना, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने एक सॉन्ग बैकग्राउंड म्यूज़िक सिलेक्ट किया था, इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है,
यानी म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर लाके आपको छोड़ देना है। बट अगर यहाँ पर मैं इसको पूरा रहने देती हूँ तो मेरी पूरी वीडियो में सॉन्ग आ जाएगा। तो यहाँ से आपको इसको साइड से माउस लेना है एंड ये बिल्कुल आपको जो आपने इंट्रो बनाया था वहीं तक आपको छोड़ देना है, ठीक है। एंड आपको एंडिंग पे बनाना है तो आपको फिर से लेना है यहाँ से एंड फिर से आपको यहाँ पे एंडिंग में छोड़ देना है एंड आपको यहाँ से इसको इक्वल कर देना है अपने माउस से। जितनी आपकी एंडिंग है उतना ही आपको रहने देना है। बस अब देखो यहाँ पे आपको साउंड मिल जाएगा। देखिए हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपको बताऊंगी कि आप तो ये साउंड भी यहाँ पे लग चुका है। प्लेलिस्ट बना लीजिए और पूरे सॉन्ग्स उसमें डाल दीजिए, आपके सॉन्ग्स हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए दोनों साउंड लग चुका है तो इस तरह से साउंड भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ अपनी जो आवाज़ है उसकी जो आपको आवाज़ को तेज़ करना है तो आपको अपनी क्लिप पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे माउस से राइट क्लिक प्रेस करना है, फिर यहाँ पे एडिट ऑडियो में आपको जाना है, फिर यहाँ पे ऑडियो एडिटर है यहाँ जाना है, यहाँ पे डायनामिक रिच कंप्रेशन यहाँ पे आपको जाना है, प्रीव्यू पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपकी साउंड ऐसी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप दो से ज़्यादा ऑडियो को एक साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली अपने फोन पे प्ले स्टोर पे जाना है, फिर यहाँ पे आपको ऑडियो जॉयर टाइप करना है। सेकंड नंबर पे एक एप्लीकेशन आएगी कुछ इस तरह की, जिसका सिंपल कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे फोन में ये पहले से इंस्टॉल। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, डायनामिक का, पिच का, इक्वलाइजर, इको एंड बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे होने दीजिए कंप्लीट। ये हो चुका है, अब यहाँ से इसको करेंगे ओके, ठीक है। अब ये वॉइस यहाँ पे जैसे हमने सेट करी थी ना वैसे ही सेट हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल। कमी ज़्यादा कर सकते हैं, सॉन्ग्स की भी कमी ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे बहुत तेज़ आ रही है तो वहीं पे जाके आपको जाना है, जो साउंड्स है उसकी वो उसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये होती है आपकी बेसिक सेटिंग्स। इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये मैंने सिर्फ बेसिक बताया आपको, स्प्लिट करने का, सॉन्ग्स ऐड करने का, इंट्रो वगैरह ऐड करने का, थोड़ा एफेक्ट्स वगैरह, ठीक है, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं ये सब। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई चीज़ आपको जैसे मान लीजिए ब्लर करनी है, शो नहीं करनी है आपको, तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो एफेक्ट्स में मिल जाता है आपको। यहाँ पे एक ब्लर का ऑप्शन आता है, ये ब्लर है ना ये, तो आपको आपकी वो चीज़ ही ब्लर हो जाएगी, नहीं दिखेगी। तो इसको क्या करना है, आपको नीचे ड्रैग करना है, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ब्लर दिखाना है ना यहाँ पे आपको ड्रॉप कर देना है। अभी क्लिप चला कर देखेंगे ना आप, तो ये चीज़ आपको ब्लर दिखाई देगी। फॉर्मेट में MP3 चाहिए, इसलिए MP3 सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उसको डिलीट, अच्छा ठीक है। तो इससे आप चाहें तो जितना मर्ज़ी आप ब्लर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कम करना है ब्लर, ज़्यादा करना है, वो यहाँ पे सेटिंग करके आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स बेसिक सेटिंग्स थी। अगर आप नए हैं, पावर डायरेक्टर चलाने में दिक्कत आती है, तो आप इस तरह से कुछ बेसिक छोटी छोटी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। इसके बहुत और भी इस पर फीचर्स आपको मिल जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए या कोई और क्वेरी है आपको पावर डायरेक्टर के ऊपर, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी आपके लिए। ये बहुत बेसिक सेटिंग्स मैंने आपको बताई है, कोई बिगिनर अगर होता है तो उसे नहीं आता चलाना, पहले मुझे भी नहीं आता था,
तो ये बेसिक बेसिक सेटिंग्स है, इसकी हेल्प से आप सीख सकते हैं। एंड इसमें और भी एडवांस ऑप्शन है, अगर आपको उनकी उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई वीडियो अगर आपको लगता है कि बना देनी चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट आता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।